अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्टूडेंट ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे CS502 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो जिस तरह से मुझे फाइल आप लोगों ने प्रोवाइड किया, तो उस तरह सबसे पहले यूट्यूब पर मैं सलूशन अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग टाइम भी देख सकते हो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को बेल आइकन से सब्सक्राइब कर दो। अभी वीडियो को पॉज करो, चैनल को बेल आइकन से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब आप लोग क्यों करो, क्योंकि इससे फायदा होगा। हर क्विज असाइनमेंट GDP आपको फ्री में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाया करेगा, और इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ देर बाद मैं अपडेट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो अपडेट का मतलब ये कि इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह करके मैं आपके सामने ही सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं असाइनमेंट्स की इंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले असाइनमेंट को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। असाइनमेंट के ऊपर अपना ID लिखना है, और असाइनमेंट के मेल के थ्रू सबमिट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। हमारी जो CS502 की बुक है अलॉगरिथम्स के बारे में है, ठीक है। अलॉगरिथम्स क्या होते हैं, सुडो कोड्स क्या होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फाइनल स्टेप्स होते हैं जिसके जरिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अलॉगरिथम, सुडो कोड, फ्लो चार्ट्स के अंदर हमारे पास सिंबल्स भी होते हैं, इनपुट आउटपुट वगैरह, डायमंड वगैरह। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का यूज करना है। उसका साइज 12 होगा और ब्लैक होगी, और बोल्ड हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को समझाता हूँ। Suppose that one of the largest commercial bank branches UAE has recently experienced a significant distress due to COVID-19, ठीक है। वो कहता है कि एक बहुत बड़ा commercial bank है UAE के अंदर, उसने recently experience किया है significant distress due to COVID-19. COVID-19 की वजह से उसने कुछ, आप कह लो क्या कहते हैं, problems आई हैं उस bank के अंदर, ठीक है। क्योंकि obviously COVID-19 की वजह से हर जगह हालात ख़राब हैं, तो उसकी reason क्या है, क्यों उसने significant distress किया है, ठीक है। उसने एक, आप कह रहे हो कि एक लॉस उसने उठाया, या आप लोग कह दो कि उसने एक नुकसान है, ठीक है, उसको हुआ है, ठीक है। क्योंकि लोगों ने ऑब्वियसली अकाउंट से रकम वगैरह निकलवा ली है, तो बैंक को नुकसान होगा, बैंक से चलते सारे इस पे। तो अ ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स विदड्रॉ द पेमेंट फ्रॉम बैंक। वजह यह है कि उस बैंक ने नुकसान क्यों उठाया, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत तादाद में लोगों ने अपने अकाउंटों से, ठीक है, रकम निकलवा लिया, ठीक है, उस बैंक से। नाउ मैनेजर वांट टू चेक द टोटल अकाउंट हु हैज लेस देन मनी $1,000 का। मैनेजर जो है ऑब्वियसली बैंक में काम करता है, ठीक है, वो क्या काम करता है आप लोग जानते हो, ठीक है। वो ये टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स देखेगा, अब कितने बैंक में अकाउंट बचे हैं जिनके अंदर रकम $1,000 से कम है, तो ये डॉलर है। हमने सूडो कॉल लिखना है जिसके जरिए मैनेजर चेक करे कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं जिनकी मनी $1,000 से लेस है। अरे लिस्ट का यूज करना है, हर एक कॉन्सेप्ट बीच में दूंगा, ठीक है। अरे लिस्ट क्या होती है जनाब, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले अरे लिस्ट को डिस्कस करते हैं। अरे लिस्ट, व्हाट इज अरे लिस्ट? देखिए, अरे लिस्ट और अरे में क्या डिफरेंस है। अरे क्या होता है, ठीक है, आप कह दो कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अरे का साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अरे लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फर्क है इन दोनों में। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आप लोग जानते हो, स्टैटिक क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है। डायनेमिक के अंदर हम, ठीक है, एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अरे लिस्ट के अंदर हम साइज बेसिकली यूज होती है कि एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज करें। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, गेट का मेथड है, रिमूव का मेथड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली सूडो कोड क्या होता है, सिंपल इंग्लिश में सिंटैक्सिस को यूज किए बगैर हम लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। सबसे पहला स्टेप इसमें स्टार्ट आता है, बिगिनिंग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे इनपुट नंबर ऑफ अकाउंट्स, जो चीज इनपुट करनी है, ठीक है, हमने कंप्यूटर को देनी है, ठीक है। इनपुट्स कोई चीज कंप्यूटर को देना, आउटपुट कंप्यूटर से लेना, ठीक है, जो चीज हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं। तो अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट, ठीक है, और आप लोग मनी कर लो लेस देन, ठीक है, $100, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, आपकी मर्जी है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अब अरे लिस्ट का यूज करना है, ठीक है। अरे लिस्ट का सिंटैक्स तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको सिंटैक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यूज ऑफ अरे लिस्ट लिख दो यहाँ पे, जिस तरह आप लोग लिखना चाह रहे हो, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या है, अब टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स हु आर लेस देन मनी $1,000 से जिसकी रकम कम है, वो चेक करना है। हमने क्या चेक करना है, चेक करना है हमने क्या, ठीक है, $1,000। अब बहुत सारे आइडियाज यहां पे आ रहे होंगे आप लोगों के कि हम लोग फॉर लूप का यूज भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां फॉर लूप का यूज कर लो आप, ठीक है। तो फॉर i इक्वल टू 0, सूडो कोड लिखने का अपना तरीका है ना, i लेस देन 1000, तो आगे इंक्रीमेंट कर दिया के अंदर, ये लिख लो आप लोग। तो आप सिंटैक्स भी यूज कर सकते हो, डजंट मीन कि सिंटैक्स यूज कर सकते, ठीक है। तो फॉर लूप लगानी है, ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने, और मनी के लिए हमने इनपुट लिया है, ठीक है, मनी लेस देन, ठीक है, इनके अंदर क्या, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने जिनके अंदर रकम क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है। आगे प्रिंट क्या कर देगा,
आगे आप लोग इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हो, इफ का यूज़ करो, देन सिको प्रिंट कर दे, ठीक है। प्रिंट नंबर ऑफ अकाउंट्स या टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिस तरह से लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो, आपके मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे। इससे पहले प्रीवियसली जाके देखना, मेरे 3 चैनल्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की है, इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लर्न करनी है ना आप लोगों ने, तो डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट लिंक मिलेगा, तो जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्ल्ड के अंदर है सब आप लोग हर क्वेश्चन की लर्न कर लोगे, ठीक है। अब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 तरह की होती है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। बेस्ट केस मतलब कि एक चीज़ प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा है, ठीक है, कम से कम टाइम है। वर्स्ट केस ज़्यादा ज़्यादा टाइम में प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा है। एवरेज केस एक औसतन टाइम में जो निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्वेश्चन का पार्ट का आंसर लिखते हैं जनाब। अच्छा व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जहाँ भी कांटेक्ट करोगे इंशाल्लाह हर जगह आपको फील फ्री आप लोग गाइड कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। जहाँ में आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ समझना है, मेरे से पूछ सकते हो। तो अब देखो वॉस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टी ऑफ एन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा वॉस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ एन होगा, अरे लिस्ट का ऑर्डर ऑफ एन होता है, डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये रॉन्ग नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजे का क्वेश्चन है। प्राइम नंबर इज नंबर डेट। अच्छा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं मैथ्स के अंदर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड हो या वन पे डिवाइड हो, ठीक है। तो कहता हमने चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी है, तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो तो हम लोग मैथ्स में जानते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने निकालनी है, ठीक है। यू कैन टास्क, हमारा टास्क टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें, मतलब एक लाइन ने परफॉर्म होने में कितना टाइम लिया, कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? देखो बच्चे जहाँ पे लूप्स होती है ना वो हमेशा ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ एन का, जहाँ पे लूप्स होती हैं, ठीक है। लूप 5 तक जा रही है, बाकी जितनी स्टेटमेंट्स हैं ऑर्डर ऑफ के लेंगे, ऑर्डर ऑफ सी लेंगे। तो अजान का टाइम है, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। जी हम लोग अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए जो स्टेटमेंट्स हैं और सिंपल लाइंस हैं वो कांस्टेंट टाइम लेते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ के लेगा, ठीक है, कांस्टेंट टाइम लेगा, ठीक है। कांस्टेंट में एक हो सकता है, क्या है? हजार ले, कांस्टेंट में एक ले, सब ही इक्वल है, ठीक है। जो लूप्स हैं वो ऑर्डर ऑफ एन लेता है, जहाँ जो लूप्स ऑर्डर ऑफ एन लिख दो, जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ के लिख दो, ठीक है, लिखना है लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। लास्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करनी है? सिंपल है, जो हमारे पास फॉर लूप्स का टाइम है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे लिख लो डायरेक्ट तो ये भी इशू नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन मल्टीप्लाई, इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, सिंपल करते हैं चीज़ों को। नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, तो जमा ऑर्डर ऑफ के, ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों मल्टीप्लाई होंगी, तो ये ऑर्डर है और जीरो में डिफरेंस नहीं, समझ आ रहा था। तो ये देखो कांस्टेंट सी भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, तो जो कांस्टेंट होता है हमेशा वो जीरो के इक्वल हो जाता है, ये बात याद रखना। कांस्टेंट की वैल्यू जब हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन के साथ आती है तो वो आप समझो कि रिमूव हो जाती है। वो क्यों रिमूव होती है, उसके लिए वीडियो के नीचे लिंक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ 3 होगा, ठीक है, एन पावर 3 इसका टाइम होगा, एन पावर 3 मैट टाइप से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 लूप्स यूज हुई हैं, ठीक है, हर लूप ने ऑर्डर ऑफ एन टाइम लिया है। तो इस तरह से आप लोग मैट टाइप पे भी लिख सकते हो। तो अच्छा असाइनमेंट को मैं अब ना 4-5 असाइनमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अपलोड करूंगा ना कुछ देर बाद, उसमें 4-5 असाइनमेंट होंगी, हर असाइनमेंट में सेम आंसर होगा, ठीक है, सेम सोल्यूशन होगा, जस्ट मैं उसकी डिजाइनिंग चेंज करूंगा, ताकि मेरे जो सब स्टूडेंट्स हैं, सब व्यूवर्स हैं, उनको हेल्प हो और वो अच्छे मार्क्स ले, फुल मार्क्स ले, ठीक है। तो जैसे MTA 603 की असाइनमेंट सबसे पहले अपलोड किया आप लोग देख सकते हो। तो अब आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, तो आप लोगों की भी ड्यूटी है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को बेल करके सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दो मैथ टाइप वाला। तो जनाब आगे इंग्लिश में लिखना है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका, है वो कि आप किस तरह से इसको स्टाइल देते हो। असाइनमेंट बहुत ईजी थी, पहली असाइनमेंट में सूडो कोड लिखना था, हमारे पास एक सिनेरियो गिवन था। दूसरी क्वेश्चन में, सॉरी पहली क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखना सूडो कोड, उसकी वॉस